और इस पर तहरीक इंसाफ की क्यादत को एक पैगाम पहुंचाया गया है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाने की ये आखिरी कोशिश एक तरह से शुरू की गई है दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज के इस व्लॉग में एक ताज़ा तरीन और बड़ी पेशरफ्त आपके साथ शेयर करनी है। एक अच्छी और खुशाइन खबर है आम इंतखाबात के हवाले से। पसे पर्दा कुछ बड़ी पेशरफ्त हुई है कुछ ही देर में। मुस्तनद तरीन ज़राए से हासिल होने वाली खबर और इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले बैक टू बैक दो अहम इजलासों की अंदरूनी कहानी आपको बतानी है। कुछ दिनों पहले तक वन वर्सेस ऑल था, आज मंजरनामा बिल्कुल बदल चुका है। अब वन वर्सेस नो वन हो गया है। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस लग रही हैं वन वर्सेस नो वन की, यानी इमरान खान के मुकाबले में अब कोई नहीं, इमरान खान अकेला। उनकी चालों ने पूरी पीडीएम को या पीडीएम इत्तेहाद को एक तरह से घुमा कर रख दिया है। मुजाकरात हों, असम्बलियों की तहलील हो या असम्बलियों में वापसी का मामला हो, हर बयानिए से पीडीएम भागती दौड़ती और फरार होती हुई नज़र आई है अब तक की जो सिचुएशन है, और उसे भागने पर मजबूर किया है इमरान खान ने। और पूरी पीडीएम खुशी खुशी वो सब कुछ कर रही है अभी जो इमरान खान उनसे करवाना चाहते हैं। और फिर आप अंदाज़ा करें कि जो पीडीएम ग्रुप है वो इसे सरप्राइज़ सरप्राइज़ का नाम देकर इमरान खान जैसी तस्वीर भी अपलोड कर रहे हैं कि देखें इमरान खान ने हमें सरप्राइज़ दिया तो हम भी सरप्राइज़ दे रहे हैं। जो इमरान खान के सरप्राइज़ थे उनसे आप बचना चाह रहे थे, उनसे आप भाग रहे थे, लेकिन स्टिल उसने पकड़ के आपको वो सरप्राइज़ हाथ में पकड़ा है। और जिस तरह की फातिहाना तस्वीर इमरान खान के ऑफिशियल पेजेस पर कुछ दिनों पहले जैसे पंजाब असम्बली की तहलील के बाद अपलोड हुई थी, अब बिल्कुल वैसी नून लीग के सोशल मीडिया अपने पेजेस के ऊपर शहबाज शरीफ की तस्वीर के साथ लगा रहे हैं। वो हंसती मुस्कुराती तस्वीर कॉपी करने की एक कोशिश है, अच्छी कोशिश थी, लेकिन इमरान खान के ऑफिशियल पेज पर एक और तस्वीर भी इन्हीं दिनों अपलोड हुई है जिस पर लिखा है नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वन। अब इसका मुकाबला करके दिखाएं, क्योंकि बाकी सब तो कॉपी हो जाएगा, ये वन वाला सीन नहीं होना। कहाँ 14 जमाती इत्तेहाद और कहाँ पावर ऑफ वन। इमरान खान पहले भी कौमी असम्बली के 7 हलकों से रिकॉर्ड इंतखाब जीत चुके हैं, मतलब मुसलसल 7 हलकों से इंतखाब जीत के उन्होंने अपना ये रिकॉर्ड बनाया। और अब फिर 33 हलकों से वो इंतखाबी उम्मीदवार होंगे। ये जो 35 इस्तीफे मंजूर करके आपने सरप्राइज़ देने की कोशिश किया उनमें से 2 तो मखसूस नशस्तों के हैं, बाकी जो 33 हैं उनमें इमरान खान वापस उम्मीदवार होंगे। और कभी इम्कान है कि मध्य मुकाबल कोई पीडीएम का उम्मीदवार नहीं होगा, ना उन्हें सूट करता है, ना वो इस तरह आएंगे इस सारी सियासी सूरत हाल में। तो ये वन वर्सेस नो वन का एक अमली नमूना आप कह सकते हैं कि वो नज़र आएगा। जिन 7 हलकों में वो पहले इंतखाब जीत चुके थे उसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल जारी नहीं हो सका। और जब ये पता चला कि खान साहब मज़ीद 33 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, तो आज फौरी ये खबर आई कि इलेक्शन कमीशन उन 7 हलकों में कामयाबी से मुतालिक जो नोटिफिकेशन है उसका फैसला कल जारी करेगा। तो आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन की इन फुर्तियों से, जैसे ही उधर से अनाउंसमेंट हुई हम असेंबली जा रहे हैं, फौरन से इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आ जाना, और जैसे इमरान खान ने कहा 33 हलकों में इलेक्शन, तो आज पता चला कि इलेक्शन कमीशन कल फैसला सुनाने वाला है कि जो पहले आपने 7 हलकों में इंतखाब जीता है उसमें आपकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं। आपको क्या लगता है, जारी करेंगे कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे बढ़ते हैं। हर महाज पर इस वक्त सियासी मूव्स खेली जा रही है, सरप्राइज़ इधर से आ रहा है, सरप्राइज़ उधर से आ रहा है, और अपने अपने वोटर्स को खुश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो तस्वीर का दूसरा रुख है मेरा ख्याल है वो भी देखना चाहिए। तस्वीर का दूसरा रुख मैं बता के फिर आपको बड़ी खबर और बड़ी पेशरफ की तरफ लिए चलूँगा। सियासी अदम इस्तेहकाम आपको पता है किस तरह तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसी की वजह से ये जो सरप्राइज़ हो रहा है इसी की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। सरमायाकारों के अरबों नहीं खरबों रुपए डूबे हैं, अखबारों में खबरें लग रही हैं। 2.5 साल के बाद जो 100 इंडेक्स है वो 39,000 की कम तरीन सतह पर आया। इसका मतलब है कि कारोबार रुक गया है, नहीं हो रहा कारोबार। डॉलर 260 रुपये तक जाने की खबरें इस वक्त मार्केट में फ्लोट हो रही हैं। और ये जो सारी इस वक्त की सियासी कश्मकश है इन्हीं में इत्तलात हैं कि हुकूमत ने फैसला ये किया है कि जो अभी 35 इस्तीफे उन्होंने मंजूर किए, इसके बाद पीटीआई के मज़ीद इस्तीफे भी वो
कबूल करने जा रहे हैं दो वजूहात की वजह से। नंबर वन, एतमाद के वोट में जो मुमकिना नाकामी है अगर हुई तो उस सूरत में पीटीआई रन ऑफ इलेक्शन में फ़ायदा ना उठा सके, और दूसरी वजह कि मज़ीद इस्तीफ़े कबूल किए जाएंगे उस वक्त तक कबूल किए जाएंगे जब तक राजा रियाज की ऑपोजिशन लीडरी 22 लोगों के साथ है शायद उनका ग्रुप, तो पीटीआई का ग्रुप उनसे भी कम रखा जाए ताकि ये सिचुएशन है। इस तरह की इत्तला है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि ये इतनी नशिस्तें वो रखेंगे, लेकिन एट द मोमेंट ये सिचुएशन है, ये इत्तला है। और ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? ताकि निगरान सेटअप अपनी मर्जी का लगा सकें। आप ये भी करके देख लें, निगरान सेटअप भी अपनी मर्जी का लगा लें, लेकिन इलेक्शन से फरार मुमकिन नहीं हो सकती। ये बात मैं इसलिए बड़े वसूक से कह रहा हूँ क्योंकि हालिया चंद घंटों में, ये दिनों में नहीं चंद घंटों में, कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से कुछ अहम तरीन रबते हुए हैं। कुछ मुस्तनद ज़राए से अब से कुछ देर पहले मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि बैकडोर रबतों का एक बार फिर आगाज़ हो गया है और इस पर तहरीक इंसाफ की क्यादत को एक पैगाम पहुँचाया गया है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाने की ये आखिरी कोशिश एक तरह से शुरू की गई है दोबारा से, और ये राबते और पसे पर्दा जो मुज़ाकरात है, सिर्फ राबते ही नहीं मुज़ाकरात, ये मौसर हो सकते हैं इस बार, क्योंकि इस सिलसिले में इमरान खान और पीटीआई की असम्बली में जो मुमकिना वापसी है वो अहम किरदार अदा करेगी। और इसके साथ साथ ज़राए ने यह भी बताया कि इमरान खान ने पीडीएम के लिए एक और ताज़ा सरप्राइज़ तैयार कर लिया है जिससे असम्बली के फ्लोर पर वो इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। इमरान खान की ये जो बैक टू बैक ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज़ हैं, इनके बाईस मामला इलेक्शन की तरफ तो अब बढ़ गया है, नज़र भी आ रहा है। बस फैसला इस बात का इस वक्त हो रहा है, जो बैकडोर रबते हैं या जो भी मुज़ाकरात आप कह लीजिए कुछ भी, कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कुछ अरसे के लिए अगर हम मुलतवी करा दें तो मुल्क भर में एक साथ आम इंतखाबात हो जाएं, या जनरल इलेक्शन अक्टूबर में होना है उसको थोड़ा सा पीछे ले आएँ और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात थोड़ा सा आगे ले जाएं, यानी मिड में कहीं पे जाके ये चीज़ सेटल डाउन कर ली जाए। वैसे तो 3 महीने बाद कराना ज़रूरी है, लेकिन सूबाई असम्बलियों के अगर 4 महीने बाद हो जाते तो उधर से अक्टूबर से मामला थोड़ा नीचे आ जाए। अब इसके ऊपर संजीदा एफर्ट्स भी हो रही हैं और देखते हैं इमरान खान साहब इस बारे में कितनी लचक दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर तो उन्हीं का नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने अपने जो पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं या पार्टी की सतह पर एक तरह से कह लीजिए कि इंतखाबात की तैयारियाँ पहले से भी ज़्यादा तेज़ कर दी हैं, हर दिन उनमें तेज़ी आ रही है, पहले से भी ज़्यादा और तेज़ कर दी हैं। आज ही उनकी ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ इंतखाबात में तैयारियों के हवाले से, तो लाहौर में ये इलेक्शन किया गया, तो जो ऑफिशियल पीटीआई की तरफ से जो जारी किए गए तफसीलात उसके मुताबिक इजलास में तमाम तंजीमों को डोर टू डोर मुहिम चलाने की हिदायत की गई है इमरान खान की तरफ से, बिना वक्त ज़ाया किए अपनी इंतखाबी मुहिम अभी से शुरू कर दें उन्होंने कहा है, और ये भी कह दिया कि इलेक्शन की जो तारीख है उसमें किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केयर टेकर वज़ीर आला का मामला अभी भी लटका हुआ है, वो उन्होंने इस बात पर भी एक तरह से तशवीश का इजहार किया कि नून लीग की जानिब से जो नाम दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा गैर संजीदा हैं, और मैंने जैसे कल के व्लॉग में बताया कि उनमें से एक नाम तो ऐसा है जो रिजीम चेंज ऑपरेशन में बिल्कुल सरे फहरिस्त था, मतलब आगे आगे हर चीज़ों में नंबर्स गेम पूरी करने में भी शामिल था। तो निगरान हुकूमत का जो काम है वो साफ शफाफ इंतखाबात कराना तो हो सकता है, लेकिन किसी के ज़ाती एजेंडे की तकमील नहीं। तो खान साहब ये कहते हैं कि हमने जो नाम दिया निगरान हुकूमत के लिए वो ऐसे हैं जिनके ऊपर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जो नून लीग की तरफ से दिए गए हैं वो गैर संजीदा है। मामला अब पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, वहाँ पर भी ये हल नहीं होना, और जाएगा इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, और इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करेगा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज तक के लिए इतना ही, देखते रहिए, खुदा हाफिज़।